आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाटर सेस एक्ट जो हमने एक्ट बनाया था उस पर फैसला दिया था। प्रदेश सरकार ने जब से प्रदेश सरकार बनी है पिछले एक वर्षों में ये कोशिश कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिर्फ लोन की बैसाखियों पर ना चले बल्कि अपने रिसोर्सेज को जनरेट करें, कुछ ऐसे रिसोर्सेज को जनरेट करें जिससे कि हिमाचल में इनकम हो सके और उस इनकम का सामाजिक कार्यों पर लगाया जा सके। उसके मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में 68% भूमि पर जंगल है और पानी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी संपदा या तो वन है या हिमाचल प्रदेश में बहता हुआ पानी है। इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहते हुए पानी के प्रयोग पर, जो पानी का नदियों से नालों से होता हुआ बहकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, उस पानी पर, पानी के प्रयोग पर टैक्स लगाया था उसे वाटर सेस से, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को 1000 करोड़ से के करीब इनकम होने की संभावना थी, परंतु आज उस एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा, प्रदेश सरकार के पास ऐसा कोई एक्ट बनाने की पावर नहीं है क्योंकि ये एक्ट ना पानी पर नहीं लगाया गया है, ये एक्ट जनरेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी पर लगाया गया है। जबकि प्रदेश सरकार की ये दलील थी उच्च न्यायालय में कि ये टैक्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पानी लेता है उस स्थान पर लगाया गया है और वहां से लेकर वो पानी लेकर छोड़ता है क्या प्रयोग करता है उसके प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, परंतु प्रदेश की इस दलील को खारिज कर दिया गया। उसी प्रकार हमने कहा था कि जमीन लैंड पर जो टैक्स लगाने का अधिकार है वो प्रदेश सरकार का है और प्रदेश सरकार ने अगर लैंड पर टैक्स लगाया है तो लैंड के डेफिनेशन में, जो एक वाइडर डेफिनेशन है, विस्तृत डेफिनेशन है, उसमें पानी भी इंक्लूड होता है और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामलों में इस पर अपना फैसला दिया है कि हाँ उसमें पानी भी इंक्लूड होता है, परंतु न्यायालय ने कहा कि हम इस तरह से टैक्स के मामले में इतनी वाइडर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये है कि पानी का जो दोहन हम कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो अतिरिक्त दोहन सामाजिक हित में प्रदेश की इनकम बढ़ाने के क्षेत्र में करना चाहते थे उस पर आज न्यायालय ने रोक लगा दी है, उसे रद्द कर दिया है और कहा है कि 4 हफ्ते में अगर किसी ने कोई पैसा डिपॉजिट कराया है तो उसे वापिस किया जाए। और अब जो अगला प्रश्न आपने मुझसे पूछा उससे पहले मैं कहूं कि जंगल जो है हिमाचल प्रदेश के, उस पर भी उच्चतम न्यायालय की रोक चल रही है, उसका भी हम सामाजिक लाभ के लिए दोहन नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ सड़ रहे हैं वो भी सिल्वी कल्चर के तहत नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ वो भी एक रोक हिमाचल पर है। तो जो हिमाचल के संसाधन है जिनसे हिमाचल की इनकम बढ़ाई जा सकती है, न्यायालय की में उन मामलों को लेकर जब भी ले जाया गया है तो वो हिमाचल हित में वो फैसले नहीं आए। और मामले जैसे अब ये मामला भी, अब प्रदेश सरकार ने फैसला कर लिया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले में। मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो भी बात हुई है तो ये निर्णय लिया गया है कि इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, वहां 2 जजों का एक डिफरेंट व्यू आया था। एक व्यू में उन्होंने कहा था कि नई सरकार ये लगा सकती है और एक व्यू में कहा कि नहीं लगा सकती, तो वो तीसरे जज के पास मामला लंबित है।